एक वृंदावन की सुंदर एक घटना है। दत्त शरणानंद बाबा हमारे वृंदावन के जो पुराने संत होंगे वो जानते हैं, दत्त शरणानंद सुरदास बाबा। आप श्री का रोजाना नियम था वृंदावन के 5 कोस की परिक्रमा। उस समय सड़कें नहीं थी, कोई वो नहीं था, ही करील होती थी, बेल होती थी, उनमें से निकल करके लोग परिक्रमा करते 5 कोस। अब तो 12 किलोमीटर में झंझटे काट रहे, झर्राटो मार रहे, अब 12 में पहले 15 किलो, 5 कोस की परिक्रमा। तो सावन का महीना था, दत्त शरणानंद बाबा महाराज कहीं पानी भरा था, कहीं कीचड़ थी, गिरते फिसलते बिचारे श्री बांके बिहारी जी महाराज की चौखट पर पहुंच गए। सारे कीचड़ में लतपत सूरदास थे। अंदर से गोस्वामी जी आए, अरे दत्त बाबा, अरे बारिश है रही, कीचड़ है रही, तुम आज काय को आए? जब मौसम साफ हो जाता तब आ जाते, देखो तुम्हारे को कितनी चोटें लगी हैं। और गोस्वामी जी ने कहा, और आखिर तुमको बांके बिहारी को देख थोड़ी पाती? इतना कहने की देर थी, दत्त शरणानंद बाबा की आंखों से अविरल धारा बहने लगी। रोते रोते बिलखते ससकते कहने लगे, गोस्वामी जी मैं मानता हूं बारिश हो रही थी, कीचड़ हो रही थी, मैं मानता हूं कल आ जा, ये भी मानता मुझे नहीं दिखता है, पर इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, कल होता ना होता इसलिए आज आया हूं। और ये सच कहा कि मुझे दिखता कहां है, ये भी कोई बात नहीं, पर सुनो गोस्वामी जी, मुझे दिखे न दिखे इसकी मुझे कोई परवाह नहीं, पर मेरे बांके बिहारी जी को तो दिखता है कि मैं इसकी चौखट। देखो हम देखे न देखे कोई परवाह नहीं, वो हमें वो गूंगा नहीं है, बहरा नहीं है, वो अंधा है नहीं है, उसे सब दिखता है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना आना मेरा काम है। बस इतना ही बोलना है, ये नहीं बोलना बिगड़ी बनाना कि ये देना कि वो देना, ना ना, केवल मेरे बांके बिहारी जी को इतना बोलना है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, बाकी का तू जाने, और प्यारे तेरी राधा रानी। पर हम तो वहां लिस्ट लेकर जाते हैं, इतनी बड़ी, जितने बड़े हम नहीं होते उतनी लिस्ट छोटी, भात उठा ले वो भी छोटी, चुटिया उठा ले वो भी छोटी। हमने एक दिन बिहारी जी से पूछा, ठाकुर तुम अंधे भी नहीं हो? बोले नहीं। मैं गूंगे भी नहीं हो? बोले नहीं। बहरे भी तुम नहीं हो? बोले नहीं। तो बस हमारी एक ही गुजारिश है, ना हमें कोई आपकी स्तुति आती है, ना प्रार्थना आती है, ना कोई बंदगी आती है, केवल हमें इतना आता है, आपको भी कह रहा हूं, अगर इसको रिझाना और मनाना है एक शब्द ही कहना। हमारे यहाँ क्या है, देखो तुम तो हमारे हो जाओ पर हम तुम्हारे कभी थे ना हैं और ना होने वाले। बांके बिहारी झक मार के मर जाए, राधा रानी मर जाए, बाबा मर जाए, गुरु मर जाए, हम तो वही करेंगे जो हमारी रील फिट। क्यों? अब ब्रजराज जी कहते हैं सबको कड़वी वाली, कौन सी वाली? बदनाम कथा। हमारी कथा का नाम है बदनाम कथा।
एक बात बतावें, जिस दिन हमारी कथा पूरी ईमानदारी से जो लोग सुन लेगा ना, उससे बांके बिहारी फिर न कभी दूर होगा न वो कभी उससे दूर होगा। पर आप तो महाराज शुगर वाली कथा मीठी मीठी सुनते हो, इसमें जजमान की प्रशंसा हो, लोगों की प्रशंसा हो, गुरुओं की प्रशंसा हो, बाबाओं की प्रशंसा हो, हमने तो ये छोड़ दिया है। प्रशंसा के योग्य हैं तो हमारी राधा रानी हैं, प्रशंसा के योग्य हैं तो हमारे बिहारी जी हैं, प्रशंसा के योग्य है जो सदगुरु जन हैं, जिनके मन में विवेक है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बात समझ में आ गई? राम कृपा के बिना संत नहीं मिलते, और संत के बिना सत्संग नहीं होता, और सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। ज्ञानी तो तुम सब हो, सब ए टू जेड ज्ञानी है, ज्ञानी तो तुम हो। ज्ञानी होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर विवेकी होना बहुत बड़ी बात। अब हमारा ज्ञानी का समय नहीं है, विवेक ही होना है। विवेक क्या कहता है? विवेक कहते किसे? स्व आत्मज्ञान की जागृति का नाम विवेक है, स्वयं को समझने का नाम विवेक है, स्वयं को जानने का नाम विवेक है, स्वयं को देखने का नाम विवेक है, और स्वयं के लोक परलोक को पाने का नाम विवेक है। कल हमने बात रखी थी, मन में यही लगन है गोविंद को है पाना, रूठे चाहे जमाना, छोड़े चाहे जमाना, मन में यही लगन है गोविंद को है पाना। जब ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि अब हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, पर हम तो महाराज मायके में गए तो अम्मा प्यारी लगे, ससुराल में आए सासु चाहिए, बहू चाहिए, नाती नातिन भी चाहिए, पोता पोती भी चाहिए, सब चाहिए, है ना। जितना रल मिल करके रज रज के हमने दुनिया को देखा है, इन आंखों से ये दिल में दुनिया को हमने बसाया है, अगर वन फोर टाइम हमने उस गोविंद को रिझाया मनाया होता तो मेरे कन्हैया ने हमको गलबैया डाल के अपने हृदय से लगा लिया होता। क्यों नहीं लगाया? हमको दुनिया की बातें बड़ी अच्छी लगती, हमसे सब प्रशंसा की उम्मीद करते। मैं हमेशा कहा करता हूं, मुझसे किसी की सच में प्रशंसा नहीं होती, क्योंकि तुम प्रशंसा के दुनिया के लोग पात्र हो ही नहीं। प्रशंसा के योग्य है तो मेरे ठाकुर है, मेरी ठाकुर आए रहे। कोई कुछ कहो, कोई कुछ कहो, हमें तो इतनी बात भली है। हमारे वृंदावन के रसिक संत कहें, कोई कुछ कहो, कोई कुछ कहो, हमें तो ऐती बात भली है। कौन सी बात? ठाकुर नंद किशोर तो ठकुरायन ब्रसभान लली है। कोई कुछ कहो, कोई कुछ कहो, हमें तो इतनी बात भली लगती है कि ठाकुर हमारे बिहारी जी हैं और ठकुरायन श्री वृषभान किशोरी हैं। अब उसके बाद हमें कोई अच्छा नहीं लगता।